हमारा खेल है। अच्छा, दर्द को मार रहा है तो दर्द ही कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? दर्द कम हो रहा है। कौन से डॉक्टर से आपकी मम्मी का इलाज चल रहा है? अरुण शर्मा मेरठ। इनके कई केस मैंने पहले भी देखे, ये हर बार पकड़े जाते हैं। आपकी मम्मी का इलाज कितने साल से कर रहे हैं? कितने? एक साल में कितने रुपए की? जब आपने 250 से चालू की थी लास्ट तक 1500 होगी, और महीने की जो दवाइयाँ 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार महंगी ही होती। ये इतने साल से इनको सर में दर्द जमा हुआ। आपकी मम्मी इतने सालों से बीमार है और आप डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल कौन सा? उसका अपना क्लिनिक था, अब हॉस्पिटल बना लिया। इस अरबों रुपया जोड़ा होगा, फीस 1500 रुपये की होगी है ऑब्वियसली। इतना महंगा डॉक्टर है, अरुण कुमार शर्मा है, MD है, ठीक है ना? ये BMS तो नहीं है, MBBS MD है। MBBS MD है क्योंकि ये पहले भी मेरे पास इसका कोई केस आया था। आपकी मम्मी को क्या बताता है? डिप्रेशन की माइग्रेन? पहले यहाँ कुछ सर्वाइकल बताया था? जब वो मशीन यहाँ पे कंपन करती थी तो प्रेत ने वो जंगे छोड़ दी, कंपन करती थी वो मशीन। मैंने तो देखी नहीं, मैंने देखी नहीं ना वो मशीन, फिर भी मैंने कह दिया वो मशीन कंपन करती थी। यहाँ पे हैं कहाँ? हमने खरीद ली थी। आप इनके साथ आए? देखो मैं बताता हूँ, मान लिया यहाँ पे कोई चीज़ बैठी है यहाँ, ठीक है, यहाँ वो मशीन लगा दी, यहाँ पे वो बैठी है, वो यूँ कंपन कर रही है। अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में दूसरी जगह बना सकती है तो वो ऊपर जाएगी नहीं, तो वो यहाँ क्यों बैठेगी जहाँ वो दुखी होगी? आपकी मम्मी को दर्द था, जब मेरे सामने खड़ी हुई तब भी दर्द था, तब कितना था, अब कितना? गोली दी थी, दवाई दी थी, जोर से पैर मरवाया था जमीन पे, उससे तो दर्द और बढ़ना चाहिए। दिमाग में सूजन है, नाड़ियों में सूजन है, तो घटा कैसे? झूठ बोलती है तू, इस उम्र में शर्म नहीं आती? तेरे पापा को झूठ बोल बोल के पकड़ा रखा होगा इस औरत ने। हाँ, पूछो दर्द का है। पैर मार जोर से, अब नहीं है, आईने चल के कितनी फंसी हुई है। जोर से जय श्री दे बोलते हुए, हाँ साथ में, हाय लड़की। हाँ, तू BCOM है MCOM है? MCOM। क्या कर रही है? जिम जाती है? जिम जाना पड़ता है मोटे होने के लिए, आजकल वो खाना पड़ता है, क्या बोलते भाई? प्रोटीन। प्रोटीन ये किसने बताया तुझे? तू पतली थी। तेरी मम्मी कितनी झूठी है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी नंबर वन। अब दर्द कहाँ है? इसकी जड़ जड़ जम चुकी है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा 20-30 साल, तब जाके आप बिल्कुल ठीक होगी। आपको डॉक्टर की कोई परेशानी नहीं है, और डॉक्टर इसी परेशानी के लिए आपसे कई लाख रुपए खा चुके हैं। कितने लाख रुपए का तकरीबन गबन डॉक्टरों ने किया है? ये गबन होता है बेटे, आपको बीमारी तो है नहीं, आप दवाई दे रहे हैं, ये गबन है, नहीं समझे आप? है कि नहीं? ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी अफसर ने काम करने के लिए पैसे तो ले लिए, काम कर नहीं रहा, नहीं समझे आप? काम हुआ और पैसे भी ले लिए और दवाई भी खिला दी और अपनी पर्ची के पैसे, यही दर्द है। कितना सख्त है, ये कमर में आ गया इतना ही दर्द होगा, ये घुटनों में चला गया इतना ही दर्द होगा, फिर इसका अभी भी जीना आराम है, तब भी जीना आराम होगा, ये जहाँ भी जाएगा ये तत्व इसके पेट में जाएगा, पेट के ऑपरेशन करा देगा, ऑपरेशन तो नहीं कराएगा, ये जहाँ जाएगा, शुक्र करो ये सर की तरफ सरक गया। लेकिन डॉक्टर नींद की दवाई दे रहा था, छोड़ दी सर। कितने दिन से छोड़ी? नहीं छोड़े भी 10 साल हुए और खाते भी 10 साल हुए, 30 साल दर्द को हो गए। बता तू एक बार में कैसे निकलवाना चाहती? मेरे पास कौन सी बार आई है? मैंने तेरे को तेरी मम्मी को ये अलग करके दिखा दिया, 40 साल की प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम अलग हो सकती है, ठीक भी ये हो सकती है, लेकिन इसमें समय लगना ही लगना।
बोलिए शनिदेव महाराज की। उनके सर पे तबला बजा दिया जिसको इतने दर्द थे। एक बात बताऊं बहन जी, दुनिया में दुनिया के सबसे झूठे का विश्वास कर लेना। कोई नेता भी कहे मैं तुझे घर दे दूंगा मान लेना, कोई कहे कि मैं तुझे पेंशन दे दूंगा मान लेना, क्योंकि देना ना भी होगा तो कम से कम ये तो समझ लेंगे नेता है। लेकिन जो भगवान बन के कहे, क्या कहते हैं कि तुझे ये वाली प्रॉब्लम है उसकी मत मान। कोई डॉक्टर है तो ये समझो पहले कि उसका झूठ का पुलिंदा बंधा हुआ है। तेरा दर्द डॉक्टरों से 30 साल तक नहीं गया भारत के, और वो सारे एलोपैथी के डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक तो उसमें कोई कोई होगा। आयुर्वेद खाई, सारी एलोपैथी खाई, और कई लाखों रुपया जो इस लड़की की शादी में लग। ये पतली क्यों हो गई ईमानदारी से बताऊं, इसके ब्याह का पैसा इसकी मम्मी की उस पर खर्च हो गया बीमारी पे। फिर तो पतली कहाँ हुई, टेंशन तो है, माँ की टेंशन नहीं है उसमें। फिर जब टेंशन माँ की भी है तो, और माँ की टेंशन में तू माँ को लेके आ रही है कि नहीं, ऑफिस की भी टेंशन है, ऑफिस की बात में पहले माँ की है, बोल हाँ के ना। हाँ, अगर माँ बीमार हो जाए ऑफिस छोड़ देगी कि नहीं छोड़ देगी, माँ को हॉस्पिटल में लेके एक महीना रहना पड़े, और वो कहे या तो माँ के पास रह ले या नौकरी कर ले, फिर क्या करेगी, नौकरी छोड़ देगी। फिर माँ कीमती की नौकरी, और जब माँ कीमती है तो इसका मतलब माँ की टेंशन है, और माँ के ऊपर जो पैसा लग रहा है तो क्या वो तेरी शादी के लिए था, मैं गलत कह रहा हूँ। माँ बाप के पास जो पैसा एक्स्ट्रा जुड़ता है बच्चों की शादी के लिए जोड़ते हैं कि नहीं, फिर कहाँ गया, है तेरे पास 10-20 लाख रुपए कर ले, नहीं घटे भी तो हैं भाई, तो तुम फालतू ही दे देती, जो हॉस्पिटल में दिए तो फालतू दे देती। अब सुन, इतना सा तत्व बिंदी जितना तेरे सर में दर्द किए हुए हैं मिटवा ले, एक काला तिल है वो जो घूम रहा है सर में, मिटवा ले। दुनिया के किसी डॉक्टर के माँ बाप को नहीं पता चले क्या है, किसी डॉक्टर की इतनी औकात नहीं, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद किसी की भी, कि इस तत्व को ढूंढ ले क्या है क्या नहीं। आगे समझ में, प्रत्येक व्यक्ति इस निगेटिविटी के चक्कर में, कोई अगर इसको निकाल के दिखा भी रहा है तो उससे सदा के लिए निकल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे कटती है। जो भी कर रहा है आपको बेकार है, भगत तांत्रिक शाणे सब दुखी कर रहे हैं आपको, सुखी कोई नहीं कर रहा। आया समझ में, डॉक्टर से आप और दुखी, जान छुटाओ। पढ़े लिखे होने के कारण सबसे पहले डॉक्टर के पास आ गए ना, कि एलोपैथी में हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास, और वो हमारा सत्यानाश कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ठग बैठे हैं तो वे MBBS MD बैठे हैं। मैंने साबित कर दिया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर का 20 लाख 10 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख पूरी जिंदगी जब तक जिए तब तक सारा पैसा हॉस्पिटलों में। आया समझ में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा दवाई खाई ठीक होगी, ऐसे कभी दर्द मिटा बिना दवाई लिए, और दवाई लेने से कितना, दवाई लेने से तेरी मम्मी का पूरा दर्द कभी एक बार में मिटा नहीं, लिख ले बात मेरे से, इतना ताकतवर है ये चीज। और गोली लेने से, मनु भैया के हाथ मारने से कैसे चला गया, आपके सर में दर्द है, मैं यूँ थप्पड़ मार दूँगा और बढ़ेगा कि घटेगा, फिर ये कौन सी साइंस है कि घट रहा है, इसका मतलब तत्व दूसरा है, रोग ही नहीं है शरीर का, इसका मतलब कोई दुखी करने वाला पैदा हो चुका है तुम्हारी मम्मी को, मैं उसकी जड़ काट दूँ, ठीक है, उसकी जड़ कटेगी, डॉक्टर की भी जड़ कटेगी। अगले 10-20 साल में आपकी मम्मी के ऊपर से जो पैसे लगता मेडिकल साइंस में वो भी बच जाएगी। आगे ना, हम पढ़े लिखे हैं, हम सोचते हैं डॉक्टर के पास इसका इलाज है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है मेरे बेटे। डॉक्टर तो अगर तुम्हारी मम्मी और ये कह दे 20-30 साल, अब कहाँ के दिमाग की सोचन ले, नहीं अगर दिमाग में ही सोचन है थप्पड़ मारने से क्या होगा बताना, बढ़ जाएगा। आया, कोई दिमाग की सोचन नहीं है, एक तत्व है उसको प्रेत बोलते हैं, पितराधिक बोलते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है, आपके बाल का 1000 हिस्सा हमारी आत्मा, उस पर गुलाब चढ़ा हुआ है काला, मन बुद्धि अहंकार के साथ, तो जितना आपके यहाँ पे तिल है वो उतना स्वरूप धारण करके आपकी मम्मी के अंदर में घुस गया। मुँह खोलते हो, श्वास लेते हो, हवा में मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो जब पता है हवा में मॉलिक्यूल्स हैं अच्छे भी हैं तो बुरे वालों को बाहर क्यों नहीं फेंक देते, जाते हैं तो जगह बदलते हैं, एरिया बदलते हैं, इसलिए हम उसकी जगह बदलवाएंगे, एरिया बदलवाएंगे, आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। बोल दो जय शनि। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।